एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। चलो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी अपने कान्हा जी के बारे में। मैं अपने कान्हा जी की डेली रूटीन बताऊंगी आपको कि मैं उनका सुबह से शाम तक कैसे ख्याल रखती हूँ, और उनकी विंटर कलेक्शंस के बारे में बताऊंगी और उनकी समर कलेक्शन के बारे में बताऊंगी। उनकी ड्रेसेस बताऊंगी कि मैं उनको कैसे ड्रेसअप करती हूँ और सुबह से शाम तक मैं उनका केयर कैसे करती हूँ। लेट्स गो। सारी मेरी कान्हा जी की ड्रेसेस हैं जो कि विंटर कलेक्शंस की हैं, और जितनी सारी पोशाक हैं ये मेरी मम्मा ने खुद बनाई है अपने हाथों से। तो ये मेरे कान्हा जी का एरिया है जहाँ मैं अपना कान्हा जी को पूरा दिन रखती हूँ। तो ये बेड अभी मैंने कल खरीदा अपने कान्हा जी के लिए, और ये इनका आसन है जहाँ पर मैं कान्हा जी को पूरा दिन बिठाती हूँ, और ये झूला है जहाँ पर कान्हा जी को हम दिन में थोड़ी देर के लिए झूले में बिठा देते हैं, और ये कान्हा जी का बेड है जो पुराने वाला बेड है, और ये कान्हा जी की टोकरी है जहाँ हमने कान्हा जी को कहीं लेके जाना हो तो हम इसमें डाल के कान्हा जी को लेके जाते हैं, और ये मेरे कान्हा जी का गिलास है जिसमें हम पानी डालते हैं उनको, और ये कान्हा जी की कटोरी है जिसमें हम उनके लिए प्रसाद डालते हैं। अब मैं अपने कान्हा जी को उठाने जा रही हूँ, तो लेट्स गो। देखो मैं अपने कान्हा जी को कैसे उठाती हूँ। कान्हा जी उठो, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है लल्ला। राधे 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 बेटा। तो रात को मैं अपने कान्हा जी को नाइट ड्रेस पहना देती हूँ, तो आप हमारे कान्हा जी को देखिए। ये मेरे कान्हा जी की नाइट ड्रेस है। अब मैं कान्हा जी को नहलाऊंगी थोड़ी देर के बाद, फिर उसके बाद मैं कान्हा जी का ड्रेसअप करूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं अपने कान्हा जी को दूध और गंगा जल और पानी के साथ नहलाती हूँ, तो चलो अब मैं अपने कान्हा जी को नहलाने जा रही हूँ। लेट्स गो। मेरे कान्हा जी देखो नहा के रेडी हो चुके हैं, और ये मेरे कान्हा जी की फाइनल लुक है, और ये हमने कान्हा जी के लिए खाना रखा है ताकि ये जब इनको भूख लगे तब ये खा सकते हैं, और ये इनके लिए पीने के लिए पानी है। अभी मैं आपको अपने कान्हा जी के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। मेरे मम्मा पापा ने मेरे कान्हा जी को अपने बच्चों की तरह लिया हुआ है, तो अब हम उनको बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं, और मैं उनको अपने भाई की तरह मानती हूँ, तो इस वजह से हम उनको सिर्फ बच्चों की तरह ही रखते हैं, उनके साथ खेलते हैं पूरा दिन। तो अब हमें थोड़ी देर टाइम फ्री मिला है, और मेरी मम्मा भी शॉप से आ गए हैं, तो अब हम उनके लिए थोड़े से भजन गाते हैं, तो लेट्स गो। अब हमारे पास कान्हा जी के लिए थोड़ा सा फ्री टाइम मिला है पूरे दिन में, तो अब हम कान्हा जी को झूले में झुलाएंगे और साथ में उनके लिए कुछ भजन गाएंगे, सो लेट्स गो।
अब मेरे कान्हा जी झूले पे बैठ चुके हैं, तो अब हम इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। तो चलो अब हम थोड़े से भजन शुरू करते हैं। पीले राधिके पीले राधिके ओ गौआ उतर पहाड़ा ते आईया, कच्चा दूध पीले राधिके। तो अभी डिनर करने के बाद हम कान्हा जी को सुलाने जा रहे हैं। अभी सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी के लिए नाइट ड्रेस ढूंढूंगी। ये मेरे कान्हा जी का बॉक्स है जिसमें मैं अपने कान्हा जी के कपड़े रखती हूँ। तो आजकल सर्दियों में मैं अपने कान्हा जी के लिए नाइट ड्रेस सर्दियों वाली पहनाती हूँ। तो आज मैं अपने कान्हा जी के लिए पिंक कलर की ड्रेस पहनाने जा रही हूँ। से मैं उनके सारे गहने और उनके वस्त्र को चेंज कर देती हूँ। अब सबसे पहले मैंने कान्हा जी का बेड लिया था जो नया वाला, उसमें आज मैं अपने कान्हा जी को सुलाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले गरम बेडशीट, और अब मेरे कान्हा जी सोएंगे। गुड नाइट कान्हा, राधे राधे। पूरी दूध की कटोरी, दूध में पताशा, मुन्ना करे तमाशा, लल्ला लल्ला लोरी। कान्हा सो जाओ बेटा। अब मैंने अपने कान्हा जी को सुला दिया है, तो मैं अब इनके लिए एक पानी रख दूंगी ताकि रात को मेरे कान्हा जी को प्यास ना लगे। तो कैसी लगी आपको मेरे कान्हा जी की डेली रूटीन? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट माई यूट्यूब वीडियो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो प्लीज़, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड इसी तरह मैं आपको अगली वीडियो में अपनी माता जी की डेली रूटीन बताऊँगी। सो प्लीज़ वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं ना अगली वीडियो में।